आज तक आपने कलौंजी या फिर भरवा तो बहुत ही खाए होंगे, लेकिन आज मैं आपके लिए लेकर आई हूँ एक बहुत ही ज़्यादा अमेजिंग, बहुत ही इजी भरवा मिर्ची की रेसिपी। तो चलिए हम आज की मज़ेदार रेसिपी को शुरू करते हैं। भरवा मिर्ची बनाने के लिए यहाँ देखिए मैंने टोटल 4 मिर्च ली है। ये जो बड़ी वाली आती है कलौंजी वाली मिर्च, ये हमने ली है। तो यहाँ पर मैं 2 ही मिर्च ले रही हूँ, क्योंकि मेरे घर में सिर्फ मैं और मेरे हस्बैंड ही हैं, हम 2 ही लोग हैं, इसलिए मैं उस हिसाब से 2 मिर्च ले रही हूँ। आप अपने रिक्वायरमेंट के हिसाब से ले सकते हैं। यहाँ पर हमने मिर्ची को अच्छे तरीके से वॉश करके और उसे ड्राई करके लिया है। अब इसके बाद हम चाकू से इस तरह से बीच में हम एक कट लगा लेंगे। तो यहाँ पर देखिए मैं कट लगा लेती हूँ, और अब हम एक स्पून की मदद से इसके अंदर के सारे बीज निकाल लेंगे। देखिए बीज को निकालना ज़रूरी है, वरना जो मिर्ची है वो तीखी हो जाएगी और हो सकता है कि थोड़ी कड़वी भी हो जाए, तो आपको खाने में टेस्ट अच्छा नहीं आएगा। इसलिए इस बीज को पूरा निकाल लें अच्छे तरीके से, उसके बाद ही आप मिर्च को स्टफ़ करें। अगर आप थोड़ा तीखा ज़्यादा खाना पसंद करते हैं तो आप इस बीज को रखे रहें, फेंके मत। इसे आप स्टफिंग जब बनाने लगेंगे तो उसमें डाल करके ग्राइंड कर लीजिएगा। तो यहाँ देखिए एक मिर्ची के सारे बीज हमने निकाल लिए। सेम प्रोसेस से मैं दूसरे के भी सारे बीज निकाल लेती हूँ। और यहाँ पर देखिए हमने दोनों मिर्ची के बीज निकाल लिए हैं। तो मैं इस मिर्ची के बीज को फेंकूंगी नहीं, मैं इसे स्टफिंग में यूज़ करूँगी। अब स्टफिंग बनाने के लिए देखिए मैंने यहाँ पर लिया है 1/2 कप जितना बेसन। तो यहाँ मेरे पास सिर्फ 2 ही मिर्च है, इसलिए मैंने 1/2 कप लिया है। और इसके साथ ही मैंने ली है सेव नमकीन। तो आपके पास कोई भी सेव वाली नमकीन हो तो आप ले सकते हैं। और उसके साथ अगर ये उसमें ऐसे मोटा वाला हो सेव ना, तो इसे ज़रूर ले, क्योंकि इसमें फ्लेवर बहुत ज़्यादा होता है, तो बहुत ही अच्छा टेस्ट आएगा। तो अब चलिए हम नेक्स्ट स्टेप पर चलते हैं। तो यहाँ गैस ऑन करके हमने एक पैन चढ़ा दिया है। पैन में अभी हम सारा बेसन डाल देंगे। ध्यान रहे कि यहाँ पर हमें तेल या फिर घी किसी का भी यूज़ नहीं करना है, हमें बेसन को ड्राई रोस्ट करके ही लेना है। और साथ ही इस बात का भी ध्यान रहे कि गैस का फ्लेम जो है वो बिल्कुल लो होना चाहिए, गैस का फ्लेम हाई ना रहे, वरना बेसन हमारा जो है वो जल्दी से जल जाएगा। और लगातार हम इसे चलाते हुए रोस्ट कर लेंगे। तो यहाँ पे देखिए 2 से 3 मिनट ही हुए हैं और मैं इसे लगातार चलाते हुए रोस्ट की हूँ, और देखिए हमारे बेसन का कलर बिल्कुल अच्छा लाल हो गया है। बस इससे ज़्यादा हमें इसे नहीं पकाना है। अब हम गैस का फ्लेम ऑफ कर लेंगे और हम बेसन को अच्छे तरीके से ठंडा हो जाने देंगे। ये देखिए कितना अच्छा कलर आया है, बस इससे ज़्यादा हम इसे नहीं पकाएंगे। तो यहाँ पर देखिए हमारा बेसन जो है वो अच्छे तरीके से ठंडा हो चुका है। तो चलिए अब हम नेक्स्ट स्टेप की तरफ चलते हैं। तो यहाँ मैंने एक ग्राइंडर जार लिया है, इसके अंदर ये सारा बेसन हम ऐड कर देंगे। तो यहाँ पर मैं सारा बेसन ग्राइंडर में डाल देती हूँ। इसके साथ ही यहाँ हमने जो सेव नमकीन ली थी वो भी हम डाल देंगे। अब हम इसमें डालेंगे कुछ मसाले। तो मसालों में यहाँ पर मैं ऐड कर रही हूँ 1 पिंच जितनी हल्दी। देखिए यहाँ हल्दी बहुत ज़्यादा हमें नहीं डालनी है, क्योंकि जो हमने नमकीन ली है उसके अंदर भी हल्दी का यूज़ है। तो अगर आप बहुत ज़्यादा हल्दी डाल देंगे तो उसमें थोड़ी कड़वाहट आ जाएगी, तो इसलिए हल्दी का यूज़ कम ही करें। इसके साथ ही हम डाल रहे हैं 1 चम्मच जितना लाल मिर्च। अब आप जितना तीखा खाते हैं उस हिसाब से लाल मिर्च का यूज़ कर सकते हैं। मैं अपने हिसाब से लाल मिर्च इसमें ऐड की हूँ। साथ ही यहाँ पर हम 1 बड़ा चम्मच डालेंगे धनिया पाउडर। तो धनिया पाउडर का फ्लेवर इसमें बहुत अच्छा आता है, इसलिए यहाँ पर मैं धनिया पाउडर थोड़ा ज़्यादा ही यूज़ कर रही हूँ। इसके साथ ही मैं 1 छोटा चम्मच इसमें ऐड करूँगी गरम मसाला। तो आप यहाँ पर कोई भी गरम मसाला जो आप यूज़ करते हैं अपने घर में उसे यूज़ कर सकते हैं। अब इसके अलावा हम कुछ खड़े मसाले यूज़ करेंगे इसमें। खड़े मसालों में मैं देखिए 1/2 छोटे चम्मच जितना डाल रही हूँ जीरा। इसके साथ ही हम 4 से 5 काली मिर्च ऐड करेंगे। अगर आपके पास काली मिर्च का पाउडर है तो आप वो भी यूज़ कर सकते हैं इसमें। इसके अलावा ही यहाँ पर हम डालेंगे लौंग। तो देखिए लौंग का यूज़ बहुत ज़्यादा नहीं करना है, यहाँ पर सिर्फ मैं 2 लौंग ही डालूँगी, क्योंकि जो हमने सेव नमकीन डाली है उसमें भी लौंग का फ्लेवर काफ़ी स्ट्रांग होता है। तो अगर आप ज़्यादा डाल देंगे तो बहुत ज़्यादा ही इसमें लौंग लौंग सा लगने लगेगा, इसलिए लौंग कम ही यूज़ करें।
और इसके साथ हम यहाँ पर डाल देंगे अकॉर्डिंग टू टेस्ट नमक। तो यहाँ पर देखिए मैं नमक डाल देती हूँ, सेब में भी नमक है तो ये सोच करके डालें। इसके बाद बस सब कुछ हो गया। अब हम इसका ढक्कन लगा करके इसे बिल्कुल बारीक ग्राइंड करके ले लेंगे। तो यहाँ पर देखिए हमारा जो स्टफिंग है बिल्कुल अच्छे तरीके से ग्राइंड हो चुका है। मैं एक स्पून से इसे मिक्स करके दिखाती हूँ आपको कि देखिए हमने इसे कितना फाइन पीस करके लिया है। बिल्कुल ऐसे ही फाइन इसे पीस करके लेना है, इसमें बिल्कुल भी चंक्स नहीं रहे। देखिए बिल्कुल ऐसे ही पाउडर की तरह फाइन इसे पीस करके लेना है। अच्छे से इसे हम एक बोल में निकाल लेंगे। तो यहाँ पर देखिए मैं सारा एक बोल में निकाल लेती हूँ। अब यहाँ पर देखिए हमने सारी स्टफिंग निकाल ली है और देखिए हम इन्हें एक बार अच्छे तरीके से मिलाएंगे ताकि इसमें अगर कोई लम्स हो तो उन्हें भी अच्छे तरीके से इसी में फोड़ दिया जाए। अब इसके साथ ही यहाँ पर मैं ऐड कर रही हूँ 1 चम्मच जितना मस्टर्ड ऑयल। हाँ, इसमें मस्टर्ड ऑयल ही यूज़ कीजिएगा और कोई ऑयल यूज़ मत कीजिएगा। इससे क्या होगा मस्टर्ड ऑयल डालने से कि एक तो ये जो पाउडर है वो थोड़ा सा बाइंड हो जाएगा, इसके साथ ही जब हम स्टफ़ करेंगे मिर्ची में ना तो मिर्ची अंदर से भी अच्छे तरीके से पकेगी और जो स्टफिंग है वो भी अच्छे तरीके से पक जाएगा, आपको बिल्कुल भी कच्चा कच्चा सा फ्लेवर नहीं आएगा। तो आप यहाँ पर मस्टर्ड ऑयल ज़रूर यूज़ करें और आप मस्टर्ड ऑयल ही यूज़ करें क्योंकि इसका फ्लेवर बहुत ही ज़्यादा अच्छा आता है। और बस देखिए इन्हें अच्छे तरीके से हम मिक्स कर देंगे, जो भी लम्स हो उन्हें हम फोड़ देंगे। अब यहाँ पर देखिए हो चुका है अच्छे तरीके से। तो अब मैं मिर्ची में इसे स्टफ़ करूँगी। तो बहुत ही सिंपल है स्टफ़ करना। देखिए इस तरह से हम उठाएंगे और जो हमने कट लगाया था उसे ऐसे खोलेंगे एक उंगली की मदद से और बस उसमें स्पून से अच्छे तरीके से सारे स्टफिंग हम भर देंगे। स्टफिंग को भरते समय ध्यान रखें कि अच्छे तरीके से उसे दबा दबा के भरना है, वरना अगर आप दबाएंगे नहीं ना तो क्या होगा जब वो तेल में जाएगी तो पूरा मुंह खुल जाएगा मिर्ची का और सारी स्टफिंग बाहर आ जाएगी। तो आप इस चीज़ का ध्यान रखें कि मिर्ची को अच्छे अच्छे से स्टफिंग को दबा दबा के भरना है। और देखें यहाँ हमने एक मिर्ची स्टफ़ कर ली है, दूसरी वाली जो है उसे भी हम सेम प्रोसेस से स्टफ़ कर लेंगे। तो आपके पास जितनी ज़्यादा स्टफिंग रहेगी उतनी ज़्यादा टेस्टी बनेगी। तो यहाँ पर देखिए मैं कितने अच्छे तरीके से बिल्कुल दबा दबा करके स्टफ़ कर रही हूँ। तो ये मिर्ची भी मैं स्टफ़ कर लेती हूँ सेम प्रोसेस से। और यहाँ देखिए हमारी दोनों ही मिर्चियाँ जो हैं वो स्टफ़ होकर तैयार हैं। तो चलिए अब हम गैस की तरफ चलते हैं। तो यहाँ देखिए गैस ऑन करके हमने एक कढ़ाई चढ़ा दिया है और उसमें अगेन हम मस्टर्ड ऑयल यूज़ करेंगे। तो यहाँ पर आज मैं पूरी सब्जी जो है पूरी हमारी भरवा जो है उसे मैं मस्टर्ड ऑयल में ही बना रही हूँ। आप जो भी ऑयल खाते हों आप उनका यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए हमारा तेल जो है वो अच्छे तरीके से गर्म हो चुका है। तो अब हम इसमें ये हमारी जो स्टफ़ की हुई मिर्ची थी उसे ऐड कर देंगे और बस अब हम इसे ऐसे ही बिल्कुल लो फ्लेम पे ढक करके 3 से 4 मिनट के लिए छोड़ देंगे। ध्यान रहे गैस का फ्लेम लो ही रहना चाहिए। यहाँ पे लगभग 3 मिनट हुए हैं। अब हम लीड हटाकर चेक करेंगे तो देखिए मिर्ची एक तरफ से अच्छी क्रिस्प हो चुकी है। तो बस इसे हम हाथ से उठा करके ऐसे पलट देंगे और ऐसे ही पलटते पलटते हमें इसे चारों तरफ से अच्छे तरीके से सेक लेना है। ध्यान रखें जब हम मिर्ची को पलटते हैं ना तो बहुत तेज़ से छींटे आते हैं, तो आप इस तरह से आगे लीड को लगा लें तो छींटे आपके ऊपर नहीं आएंगे। और देखिए अगेन हमने 5 मिनट के लिए इसे ऐसे ही छोड़ा था और यहाँ पर देखिए हमारी जो मिर्ची है वो चारों तरफ से कितने अच्छे तरीके से पक चुकी है, बिल्कुल अच्छी क्रिस्प भी हो गई है। और आप देख सकते हैं कि हमने मसाले को अच्छे से दबा करके भरा था इसलिए इसका मुंह खुलने के बाद भी हमारी स्टफिंग बाहर नहीं आई। तो आप इसी तरह से करेंगे। तो चलिए अब हम अपनी भरवा मिर्ची को सर्व कर लेते हैं और ये देखिए कितनी ज़्यादा डिलीशियस, कितनी ज़्यादा टेम्पटिंग लगती है देखने में। ट्रस्ट मी, ये इतनी ज़्यादा अमेजिंग होती है खाने में कि आप अगर एक बार बनाकर खा लिए तो आप बार बार इसे बनाकर खाएंगे। साथ ही आप देख सकते हैं कितना आसान है इसे बनाना, कोई भी ज़्यादा टिटिम्मा नहीं है इसे बनाने में। बहुत ही आराम से ये बहुत ही ईजली बनकर तैयार हो जाती है।
तो आप इस तरह से भरवा मिर्ची की रेसिपी को ज़रूर ट्राई करें और आप हमें बताएं कि आपको हमारी ये रेसिपी कैसी लगी। अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लगा तो आप हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करें, साथ ही साथ बेल आइकन को भी प्रेस करें ताकि आपको हमारे वीडियोस के नए अपडेट्स मिलते रहें। और हाँ, हमें ये बताना बिल्कुल भी ना भूलें कि हमें आपके लिए अगली रेसिपी कौन सी ले आनी है। थैंक यू।